हेलो फ्रेंड, फिल्म यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पांच वेब सीरीज के बारे में बात करूंगा जिसे आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आजकल के जितने भी वेब सीरीज आ रही है उसमें अब्यूज और एडल्ट सीन देखने को मिलती है जिसे आप लोग चाहकर भी अपने फैमिली के साथ देखकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पाँच ऐसे वेब सीरीज के बारे में बताऊँगा जिसे आप अपनी फैमिली के साथ देखकर एंजॉय कर सकेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुदर्शन चक्रपाणी, जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। फाइव पे आता है समनांतर, जो 2020 में रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग की बात करें तो 7.8 आउट ऑफ 10 है। इसके टोटल 9 एपिसोड हैं जो सभी 20 मिनट्स की हैं। यह वेब सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हीरो की लाइफ में काफ़ी बुरा हो रहा होता है, तभी उसे एक बाबा से पता चलता है कि वह जो लाइफ जी रहा है वह ऑलरेडी एक दूसरे बंदे ने जीत चुका होता है। अब अपना हीरो अपना लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस आदमी से मिलना चाहता है ताकि उसे फ्यूचर के बारे में पता चल सके और वह अपने हिसाब से फ्यूचर डिसाइड करें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और बिल्कुल हट के है। इसे आप लोग जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वेब सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। इसे आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं और इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हाय गाइस, मायसेल्फ आकाश गुप्ता। हे सर, लेकिन मुझे फर्स्ट सीजन ज्यादा अच्छा लगा। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक लड़का जो पढ़ाई में डल होता है और वह 10th पास करके कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं और इसलिए उसे एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं। अब वो लड़का कैसे वहाँ सर्वाइव करता है यह आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी और काफ़ी इंजॉय करेंगे। इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है बारिश। यह एक रोमांटिक वेब सीरीज है। यह 2019 में रिलीज हुई है और इसकी रेटिंग की बात करें तो 8.3 आउट ऑफ 10 है। इसके टोटल 40 एपिसोड हैं जो 30 से 35 मिनट की हैं। इसके लीड रोल में शर्मन जोशी और आशा नेगी होते हैं। इस वेब सीरीज में इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया गया है। शर्मन जोशी एक अमीर आदमी होते हैं लेकिन काफ़ी सिंपल होते हैं। यह वेब सीरीज काफ़ी रोमांटिक और फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को आप लोग को जरूर देखना चाहिए। इसे आप अल्ट बालाजी और जी टीवी पर देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है बंदिश बंदिश। यह वेब सीरीज 2020 में रिलीज हुई है और इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं जो 30 से 35 मिनट की हैं। इस वेब सीरीज में आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज में शास्त्रीय संगीत के बारे में दिखाया गया है, जहाँ एक लड़का छोटे से गांव का होता है और उसका घराना शास्त्रीय संगीत का होता है और वह कैसे सुपरस्टार बनता है यह आपको इस वेब सीरीज को देखने से पता चलेगा। और यह लड़का अपने शास्त्रीय संगीत की वजह से बारिश करा देता है, जो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज। इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं तो हीरोइन को मना। संतों की ये भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। नंबर 1 पर आता है जो मेरा सबसे फेवरेट वेब सीरीज है, द आम आदमी फैमिली। इसकी अब तक कुल 3 सीरीज आ चुकी है। यह 2016 में रिलीज हुई थी और उसके कुल एपिसोड 17 हैं। इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। यह काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है और काफ़ी कॉमेडी भी है। इस वेब सीरीज से आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। इस वेब सीरीज में एक फैमिली के बारे में दिखाया गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। इसे आप YouTube और MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। ये तो छिपकलियाँ, मैं भगाता हूँ, तुम भागोगे? छिपकलियाँ तो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ यहाँ पर छिपकलियाँ भगाने के लिए हूँ।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सी वेब सीरीज ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।